गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो 9th क्लास बड़ा पिछले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, ठीक है। 5th हो गया था, 6th पे बात कर रहे थे, उसी को हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में 7 और 8 पे बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज होनी चाहिए 7.2 और ये डायग्राम है इस तरह। ये ए बी सी और ये क्या बी, ये दोनों इक्वल थे, ये सी। तो बेटा इस पे हमने लिखा था कि दिया है AB बराबर AC है और AD बराबर क्या है BC, ये दिया गया है और हमें सिद्ध करना था कोण BCD बराबर क्या है। तो बेटा इसकी हम उत्पत्ति पर बात कर रहे थे और इसको क्या प्रूफ करना था उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले उत्पत्ति पे पहली चीज देखें, हमने लिया था किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। तो आप जानते हैं अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण बराबर होंगे, यह थ्योरम जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये कहां से चूंकि दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कोण एबीसी बराबर क्या हो गया एसीबी, कारण क्या है समान भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। तो ABC बराबर क्या हो गया ACB, समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर लिया त्रिभुज ACD में और ACD में बराबर क्या है, AD बराबर क्या है AC। अब ये दोनों बराबर है तो उनके भी समान भुजाओं के समूह कोण समान होंगे, मतलब दोनों के समूह कोणों को आपको समान कर देना है। तो जब हम समान करेंगे तो देखिए जरा हमारे पास क्या होगा, ये कहां से चूंकि दिया गया है तो इसका मतलब कोण ACD बराबर क्या होगा ACD, समीकरण नंबर 2, ये क्या है समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। अब लिया त्रिभुज बेटा बी सी डी में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये क्या आ गया बी सी डी प्लस क्या हो गया बी बी सी प्लस क्या हो गया बी डी सी इक्वल टू 180। समीकरण नंबर 1 और 2 से एबीसी दे दे या डीबीसी दे दे तो ये बी सी डी सेम है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं एसीबी और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं एसीबी बराबर 180। इन दोनों को एक साथ करेंगे तो आप देखिए डायग्राम में ये प्लस ये टोटल बेटा क्या हो गया एसीबी और एसीबी दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो गया बेटा बीसीबी बराबर हो गया 180। दोनों समान है BCD बराबर 180, तो कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा 180/2 यानी क्या हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था अपना 6। हम 7 और 8 क्वेश्चन पे बात करते हैं, अब 7 क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें, देखो 7 क्या है बेटा, हमारे पास 7 में कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण ए का मान 90 अंश है और एबी बराबर एसी है, तो बी और कह रहा बी और सी के मान बताइए, समझ लो। 7 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के
क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? एक्सरसाइज है तू, सेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर सेवन। क्या है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है? ये बेटा एक कोण करा के 90 डिग्री का, और ए बी बराबर क्या है बेटा, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो करा कोण बी और सी के मान। समझ लो बेटा, पहले नोटिस आपको क्या करना है कि दिया गया है कोण ए का मान 90 और बेटा ए बी बराबर क्या है ए सी, ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण बी व कोण सी के मानों को ज्ञात करना है। अब हम पहुंचते हैं इसके हल में। पहली चीज, चूंकि कोण ए का मान 90 इंच है, दूसरी सेक्शन लिखा त्रिभुज बी ए सी में ए बी बराबर क्या है बेटा, ए सी है, ये दिया है, तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में समान बदाम के सम्मुख कोण कैसे होते, समान होते हैं, तो बी बराबर क्या होगा सी, समीकरण नंबर दो। और कोई चीज लिखते हैं तो उसका रीजन होना चाहिए, तो रीजन आप क्या लिखेंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, लिखिए। अब बेटा लिया त्रिभुज कौन सा बीएसी में, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कि कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा 180। कोण ए का मान कितना था 90, बी एलटी से और बी और सी दोनों बराबर है, तो इसके प्लेस पर क्या लिख दिया अभी इक्वल टू 180। तो कोण बी प्लस कोण बी क्या हो गया, कोण बी और 180, 90 को इधर पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया, तो दो एंगल बी का मान कितना हो गया 90, एंगल बी का मान 90 बटे दो कितना आ गया 45, एंगल बी का मान 45 तो एंगल सी भी कितना हो गया 45, बी और सी दोनों कोणों के मान कितने हो गए 45। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 7। अब नेक्स्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज से कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी कंप्लीट। कह रहा है किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा, 60 डिग्री का ये पूछ रहा है। तो बेटा जब भुजाएं समान होगी तो सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे, और सम्मुख कोण समान होंगे, तो देखिए जरा कैसे इसको हल करेंगे, और इसमें हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आप हम कर लेंगे। देखिए 7.2 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 आपसे कह रहा है कोई संभव त्रिभुज है, संभव का मतलब क्या हो जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, तो आप पहले नोटिस करें क्या दिया गया है, तो आपके पास दिया है ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है ए सी। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण कितने का है बेटा, 60 डिग्री का है।
बड़ा सिंपल सी बात है, उत्पत्ति में आपको क्या करेंगे, एक बटा लिया एबीसी में पहले लिया एबी बराबर क्या है बीसी, तो एबी के समान की समूह बजाय सी हो गई और बीसी की समान समूह बजाय बी हो गई, समीकरण कर देंगे ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख हो समान होते हैं, ठीक है, तो सी बराबर क्या हो गया। इसी तरह दूसरा क्या लिखा, बीसी बराबर बटा एसी भी होगा तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, समीकरण कर दो कारण से। तो अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज कौन सा लिया, एबीसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश, तो ए कोण बी प्लस कोण सी कितना हो गया 180, तो अब सभी बटा आपस में हो गए बराबर, तो ये बी और सी के प्लेस में भी क्या लिख सकते हैं ए, तो 3 कोण ए का मान 180, तो कोण ए का मान कितना हो गया 60, इसी तरह प्रत्येक कोण कितने का निकला 60 अंश, ठीक है, बी और सी बराबर है, तो इसी के आधार पे हम देख सकते हैं कोण बी और कोण सी का मान भी कितना है 60, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपनी 7.2 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 7.3 एक्सरसाइज के लिए, ओके, सो थैंक यू सो मच, टू डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट डे वीडियो, थैंक यू सो मच।